नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में आप लोग यूपी एनएचएम से एक भर्ती के विज्ञापन नोटिफिकेशन हमने आप सभी को दिखाए थे कुछ दिन पहले, और पूरी भर्ती प्रक्रिया के बारे में हमने आप सभी को बताया था। अगर अभी तक आपने आवेदन न किया हो या फिर इस भर्ती से रिलेटेड अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन न मिल पाई हो, जानकारी न हो पाई हो, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ पर यूपी लेखपाल परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स है। यूपी लेखपाल की परीक्षा कल होने जा रही है, और यहाँ पर जितने भी हमारे एएनएम की बहनें हैं, 9212 भर्ती को लेकर के कल हमने आपको बताया था कि आज आपका रिजल्ट आने के चांस बहुत ज़्यादा है, और बाकी अब तो आयोग के ऊपर है वो क्या करते हैं, लेकिन चांस हैं काफ़ी ज़्यादा आज आने के रिजल्ट। तो इसकी अपडेट हमने कल आपको बताया था कि हम लगभग आपको 10 बजे के बाद किसी भी समय बता सकते हैं। तो थोड़ा सा आप समय दीजिएगा, हम आपको थोड़ी ही देर में जो भी अपडेट होगी, जो भी सही जानकारी होगी, वो बताने का प्रयास करेंगे। तो फिलहाल में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी एनएचएम से 5,505 सीएचओ की भर्ती को लेकर के, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पदों पर भर्ती को लेकर। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सही और ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए आप सभी हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं एनएचएम के तहत 5,500 सीएचओ की नियुक्ति होगी। प्रदेश के इन 5 जिलों में सबसे ज़्यादा खाली पद हैं, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, आजमगढ़, लखीमपुर खीरी, खाली पद भी आप देख सकते हैं। और ये भर्ती जो है नेशनल हेल्थ मिशन प्रदेश में जो है कम्युनिटी के तहत जो है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ की भर्ती हो रही है। इसका विज्ञापन जब जारी किया गया था हमने आपको उसी समय बता दिया था, 9 अगस्त तक इसके ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए हैं, 9 अगस्त लास्ट डेट है। परीक्षा के आधार पर सीएचओ की भर्ती होगी, मतलब एग्जाम होगा। खास बात यह है कि आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को कोई भी शुल्क या फीस नहीं देना है। एनएचएम की तरफ से संविदा के आधार पर 5,505 पदों पर सीएचओ की भर्ती होगी, संविदा वाली भर्ती है ये। इसके लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग डिग्रीधारी ही केवल इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। इसमें पहले 4 महीने का प्रशिक्षण हुआ, प्रशिक्षण के दौरान ₹10,000 प्रति महीने मिलेगा। इसके बाद सब हेल्थ सेंटर पर तैनाती दी जाएगी, और जब सब हेल्थ सेंटर पर तैनाती दी जाएगी उस समय आपका वेतन ₹20,000 होगा, और ₹15,000 परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव दिया जाएगा, यानी कुल मिलाकर के ₹35,000 तक प्रति महीने का वेतन मिलेगा आपको। प्रशिक्षण के दौरान अभ्यर्थियों को 2.5 लाख का बॉन्ड भरना होगा। ये केवल बॉन्ड भरना होता है, इसमें ऐसा नहीं कि आपका प्रशिक्षण करवाए एनएचएम और आप तुरंत जो है जॉब छोड़ करके चले जाएं। तो इसके लिए कंडीशन होती है, अगर आप छोड़ के जाते हैं तो उस स्थिति में आपको ये पैसे देने होते हैं, उस तरह से नहीं, ठीक है। उस तरह से केवल आपको एक बॉन्ड भर करके देना होता है, मतलब अनुबंध होता है, बॉन्ड का मतलब अनुबंध हो गया। 100 नंबर की परीक्षा होगी और कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। गलत जवाब होने की दशा में नंबर नहीं काटे जाएंगे, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अधिकतम 35 साल सामान्य वर्ग में, बाकी जो आरक्षित रिजर्व कैटेगरी होंगे नियमानुसार उनको जो है आयु सीमा में छूट भी मिलेगी। दूसरी अपडेट यहाँ पर देखिए यूपी लेखपाल परीक्षा से संबंधित है, 25% सीटों पर प्रतीक्षा सूची जारी करने की मांग। देखिए मेरे हिसाब से ये मांग बहुत अच्छी मांग है, और इसके लिए धन्यवाद भी है, क्योंकि हर भर्ती में यही हाल होता है, जितनी सीटें होती हैं उतने ही लोगों को आप मौका देते हैं, फिर बाद में सीटें खाली रह जाती हैं, फिर भी सीटें खाली ही पड़ी रह जाती हैं, जबकि योग्य एलिजिबल अभ्यर्थी कैंडिडेट्स आपके पास बहुत होते हैं। तो यहाँ पर जो है 25% वेटिंग लिस्ट जारी करने की मांग की गई है, इसके लिए मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा गया है, और इसमें कहा गया कि यूपी लेखपाल में ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो यूपीएसआई, यूपीपीएससी, जूनियर असिस्टेंट व अन्य भर्तियों में या फिर आने वाले भविष्य में कुछ और भी सफल अभ्यर्थी हो सकते हैं, जो कि यहाँ पर इसलिए शामिल हो रहे थे पहले से भी कि अगर नियुक्ति कहीं नहीं मिली तो यहाँ पर हम शामिल हो जाएँ। तो ऐसे में 8,085 टोटल यहाँ पर पद हैं राजस्व लेखपाल के, जहाँ पर परीक्षा होने जा रही है, तो 2 से 2,500 के आसपास जो है पद खाली जा सकते हैं, यानी जो चयनित होंगे वो यहाँ पर अगर ज्वाइन नहीं करते हैं तो वे पद रिक्त रह जाएंगे। ऐसे में नियमावली में संशोधन कर वेटिंग लिस्ट का प्रावधान किया जाना बेहद ज़रूरी है। दरअसल भर्ती प्रक्रिया में लेट लतीफी ऐसे हालात पैदा होते हैं जिससे सीटें खाली रह जाती हैं, जो कि कतई उचित नहीं है। तो ये हो गई कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए। आगे की जो भी अपडेट होगी, और साथ साथ जितने भी हमारे एएनएम की बहनें हैं, बस थोड़ी ही देर में आपको जो भी अपडेट होगी हम बताएंगे आपके रिजल्ट को लेकर के, कि आज आएगा कि नहीं आएगा। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।